बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो के ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रांड्स में मिलने वाली खरी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। उसके लिए हमारे पास यह है ट्राउज़र का फैब्रिक, जिसको हमने फोर फोल्ड करके रख लिया है। और यहाँ पे हम उसकी लेंथ रख रहे हैं 40 इंचीस। हमें तैयार शलवार की लेंथ चाहिए 35 इंचीस, लेकिन हम यहाँ 40 इंचीस रख रहे हैं। 2 इंच हम इलास्टिक का मार्जिन छोड़ेंगे और 2 इंच पाइंचों के लिए, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे इसलिए रख रहे हैं कि हमने पिंटिक्स भी डालनी है पाइंचों पे। और सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लेंगे इलास्टिक के लिए और इसको किसी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब हम शलवार के घेर की मेजरमेंट करेंगे। उसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह से करेंगे कि अपनी किसी भी शर्ट को मेजर कर लेंगे हिप से, उसकी मेजरमेंट कितनी है, और उसका हाफ़ करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। हमारे पास जो हमारी शर्ट की मेजरमेंट आई थी वो थी 23 इंचीस, तो जिसका हाफ़ करके हमने 11.5 इंचीस पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमें आसन चाहिए 13 इंचीस, तो हम 13 इंचीस पे यहाँ एक निशान लगा लेंगे और इस तरह सीधी लाइन के ज़रिए इसको ड्रा कर लेंगे। यहाँ से जो घेर रखना है वो हमने शलवार जितना ही रखना है, तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी ये फैब्रिक था हमने उतना ही घेर रख लिया। ये तकरीबन 17 इंचीस था, तो हमने 17 इंचीस पे ही इसको मार्क कर लिया है। और यहाँ से जो आसन है उसको हम ज़्यादा घुलाई नहीं देंगे, इसको आप सीधी लाइन से भी ड्रा कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल तिरछा भी हो सकता है, और आप हल्की से घुलाई भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने हल्की से घुलाई दी, आप चाहें तो घुलाई दे चाहें तो सीधी लाइन ही ड्रा कर लें। उसके बाद इलास्टिक वाले मार्जिन से नीचे आप इसकी लेंथ को मेजर करके निशान लगा लेंगे। 36 इंचीस पे मैंने इसको निशान लगा लिया है और इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमें पाइंचा चाहिए तैयार 7 इंचीस, तो इसके सिलाई का मार्जिन रखते हुए 7.7 इंचीस पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे पाइंचे के लिए। और यहाँ से हमने इसको सीधी लाइन को ड्रॉ करना है। उससे पहले हमारे पास ये जो 17 इंचीस का निशान है उससे नीचे की तरफ हम अपनी जो टोटल लेंथ तक इसको नाप लेंगे कि ये कितना है, उसको हाफ़ करके यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास आया था 24 इंचीस और हमने यहाँ पे 12 इंचीस पे निशान लगा लिया है, जो कि हमारे घुटने का निशान होगा। और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना है, ज़्यादा तिरछी लाइन नहीं लगानी, क्योंकि इससे हमारी जो शलवार है वो ज़्यादा खुली हो जाती और वो खड़ी शलवार ना रहती, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको हाफ़ करके निशान लगा लिया। और वहाँ से हम इसको अंदर की तरफ लाइन लगा के इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और हमारे पास ये जो पाइंचे का फैब्रिक है जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, उसको अंदर ही करके कटिंग करेंगे, ताकि जब हम उसको बुकरम लगाएं तो हमारे पास फैब्रिक एग्जैक्ट उसके ऊपर ही आए। तो जैसे जैसे हमने ये निशान लगाए हैं वैसे वैसे ही हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे शलवार की। ये हमारे पास सलवार की कटिंग हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे और जो हमारा इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा है फैब्रिक का ऊपर की तरफ, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो साथ भी इलास्टिक डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इलास्टिक बाद में डाली थी। ये मैंने इलास्टिक वाला फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और आसन की सिलाई को यहाँ पे मैंने 3 इंचेस छोड़ दिया है, जो कि बाद में नाली वाली सिलाई लगाने के बाद लगाऊंगी, ताकि हमारी जो सेंटर वाली सिलाई है वो खैंची ना जाए शलवार की चलते हुए। उसके बाद हम पाइंचे के लिए बुकरम को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं, तकरीबन 1-1 इंचेस की 2 पट्टियाँ काटी हैं, और उसको पाइंचे पर पेस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से आयरन करके। और इस पर मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई थी, एक ऊपर और नीचे, आप चाहें तो 4 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं या इससे ज़्यादा सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई थी। ये हमने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पिंटेक्स डालेंगे, पिंटेक्स हम आयरन कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारे पास उनका डिस्टेंस है वो इक्वल आए। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने पिंटेक्स डाली है उसका हमने पाइंचे से डिस्टेंस रख रहा है तकरीबन 1.5 इंचीस, और बाकी जो हमने 3 पिंटेक्स उसके ऊपर डाली हैं उनका डिस्टेंस होगा 1 इंचीस का। तो इस तरह से हम उनको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। आयरन करने का ये फ़ायदा होता है कि उसके बाद हम जब सिलाई लगाते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट वैसी ही डिस्टेंस पे आती है जैसे हमने आयरन किया होता है, और हमारे पास डिस्टेंस इक्वल ही रहता है। इस तरह से हमने दोनों पाइंचों पे आयरन कर लिया है पिंटेक्स को, और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है दोनों पाइंचों पर जो हमने पिंटेक्स 4 चार डाली थी।
ये है हमारे पास शर्ट का फैब्रिक। तो इस शर्ट के फैब्रिक के अंदर कलर्स को मैच करके हमने यहाँ पे ये रेशमी नलकियाँ ली हैं, जिसकी हम पिंटेक्स के ऊपर एक एक स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले पिंटेक्स के ऊपर निशान लगा लेंगे कि हमने कितने डिस्टेंस पे इसको रखना है। तो हम 3-3 इंचेस पे निशान लगा रहे हैं फर्स्ट पिंटेक्स के ऊपर, और सेकेंड वाली पे हम ये जो ऊपर वाली पे निशान लगाया है 3-3 इंचेस का, उसके सेंटर में निशान लगाएंगे। और इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट वाली पिंटेक्स पे निशान थे वो उसी तरह से थर्ड वाली पे होंगे और सेकंड वाली के फोर्थ वाली के साथ सेम होंगे। निशान लगाने के बाद हमारे पास ये जो धागे थे मल्टी कलर्स के, उनको इस तरह रखेंगे। और ये हमारे पास जो स्टिच है वो बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपने सुई को ऊपर निकालना है और दूसरी साइड से नीचे की तरफ करके उसको पक्का कर लेना है। और इसी तरह से हमारे पास जितने भी धागे हैं उसकी एक एक स्टिच लगा लेंगे और नीचे की तरफ पक्का कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको काइंडली लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारे पास 5-6 रेडी हो गए हैं। हमने तमाम जो स्टिचेस लगानी थी मल्टी कलर्स में वो लगा ली हैं। अब हम नाली वाली सिलाई लगाएंगे। नाली वाली सिलाई लगाने के बाद हमने ये जो आसन की सिलाई छोड़ी थी 3-3 इंचेस की, वो लगाएंगे। उसको इस तरह से लगाएंगे कि हमारे पास ये जो नाली वाली सिलाई है दोनों साइड्स की, उसको एग्जैक्ट ऊपर नीचे रख कर ये सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई का बाद में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो सेंटर वाली हमारी नाली की सिलाई है वो चलते हुए ऊपर की तरफ नहीं खींची जाती, इसलिए हम इसको बाद में लगाते हैं। और मैंने इसके बाद इलास्टिक भी डाल ली थी। तो ये है मेरी शलवार की ओवरऑल लुक। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। ये तस्वीर में ये जो हमारे पास ये स्टिचेस लगाई हैं वो इतनी क्लियर नहीं आई, लेकिन रियल में ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और पहनी हुई शलवार भी बहुत ही डिसेंट लग रही थी। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू।